और जब बात हो रही है पुराने दोस्त की, तो रेडियो भी आपका एक ऐसा ही पुराना दोस्त है। आज हम रेडियो की बात करेंगे, आपके उसी वर्षों दशकों पुराने दोस्त की। लेकिन उससे पहले आपको एक धुन सुनाना चाहते हैं, शायद आपको कुछ याद आ जाए। आज की युवा पीढ़ी को शायद कुछ याद नहीं आया होगा, क्योंकि आज की युवा पीढ़ी का रेडियो से सिर्फ इतना रिश्ता है कि वो एफएम सुनते हैं, और ज़्यादातर जब वो अपनी गाड़ी में होते हैं तब वो एफएम सुन रहे होते हैं। लेकिन जो पुरानी पीढ़ी है वो तुरंत इस धुन को पहचान लेगी, और मुझे पूरा यकीन है कि उस पीढ़ी के लोग यादों के उसी दौर में अब तक पहुँच भी चुके होंगे। इसलिए अब हम आपको रेडियो के उस सुनहरे दौर में लेकर चलेंगे, जब यह हमारे जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ करता था, इंतजार रहता था रेडियो के कार्यक्रमों का, और इसके तार हमारी जिंदगी के हर हिस्से से जुड़े थे। आज भले ही पूरी दुनिया स्मार्टफोन तक सिमट गई हो, लेकिन एक समय था जब रेडियो ही मनोरंजन और जानकारी का एकमात्र साधन हुआ करता था, और पूरा की पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर रेडियो पर खबरें भी सुनता था और रेडियो पर संगीत भी सुनता था। एक जमाने में रेडियो के जरिए लोगों तक समाचार पहुंचते थे, लोग समाचार सुनने के लिए सारा काम समय पर निपटाकर इंतजार किया करते थे। और ये बात सुनने में आपको भले ही आज अजीब लगती होगी, लेकिन आज जब आप पुराने जमाने के इतिहास को खंगालेंगे तो वो रेडियो के बिना बिल्कुल अधूरा सा लगेगा। आज की पीढ़ी को शायद पता नहीं होगा कि 1947 में जब भारत आजाद हुआ, तब देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने रेडियो पर ही इसकी घोषणा की थी। 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का आंखों देखा हाल भी भारत के लोगों ने रेडियो पर ही सुना था, और 1975 में जब देश में इमरजेंसी लागू हुई तो कस्बों और गांवों के लोगों को पहली बार रेडियो से ही पता चला था। फिर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या का समाचार भी देश के लोगों को सबसे पहले रेडियो से ही पता चला, और जब 1990 के दशक में जी टीवी के आने के बाद शहरों से रेडियो गायब होते चले गए, और तब भी उस वक्त गांवों में रेडियो ही लोगों की सूचना का आधार बना रहा। आज भले ही गांव-गांव में टीवी और स्मार्टफोन पहुंच गए हैं, लेकिन अब भी देश के कई दूरदराज गांवों और पहाड़ी इलाकों में रेडियो ही सूचना का सबसे महत्वपूर्ण साधन है। ये आकाशवाणी है। अब आप प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी का राष्ट्र के नाम संदेश सुनिए। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। The president has proclaimed emergency. This is nothing to panic about. I am sure you are all conscious of the deep and widespread conspiracy which has been brewing ever since I began introducing certain progressive measures of benefit to the common man and woman of India. तो इंदिरा गांधी का ये वो संदेश था जो उस पीढ़ी को आज भी याद होगा। वो रेडियो पर आकर कह तो रही थी कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो संदेश था जिससे चारों तरफ पैनिक फैल ही गया था। रेडियो की दुनिया आज भी जिंदा है। आप भले ही स्मार्टफोन पसंद करते हों, भले ही आपके स्मार्टफोन में अब लाखों गाने आपके साथ आ चुके हों, स्मार्टफोन में आप जो चाहे टीवी चैनल इस समय स्मार्टफोन की फीड पर भी देख सकते हों, लेकिन कई लोग आज भी रेडियो को अपने घरों में सजाना पसंद करते हैं, अपने पुराने दोस्त का साथ छोड़ना नहीं चाहते। जब रेडियो का जमाना था तो लोग शादी के समय एक गिफ्ट के तौर पर भी रेडियो दिया करते थे, क्योंकि यह सिर्फ मनोरंजन और जानकारी का साधन नहीं था, बल्कि यह उस जमाने में एक स्टेटस सिंबल हुआ करता था। लोग अपने कंधे पर रेडियो रखकर घूमा करते थे। इसलिए आज हम आपको रेडियो के पुराने दौर में लेकर जा रहे हैं और उसका मधुर संगीत आपको सुनाएंगे। आज भले ही रेडियो का आकार बेहद छोटा हो गया है, रेडियो अब आपको आप उसे एफएम के नाम से जानते हैं, लेकिन पहले यह पोर्टेबल टीवी के आकार का होता था, यानी बहुत बड़ा होता था और एक अलग तकनीक पर काम करता था। आजकल ऐसे रेडियो सेट्स देखने को नहीं मिलते, बंद हो चुके हैं, लेकिन जिन लोगों के पास इस तरह के रेडियो सेट्स हैं
उनके लिए आज भी ये बहुत खास हैं। आप ऐसे समझ लीजिए जैसे लोगों को अपनी विंटेज कार से बहुत प्यार होता है, पुराने जमाने की गाड़ियों को बहुत संजो कर रखते हैं, ऐसे ही जो रेडियो के दीवाने हैं, जो रेडियो के सच्चे दोस्त हैं, उनके लिए वो रेडियो भी बहुत खास हैं। और ऐसे ही रेडियो सेट्स को रिपेयर करने की एक दुकान हैदराबाद में है, जहां रेडियो का ये पुराना मधुर संगीत आज भी गुनगुना रहा है। आज हम आपको हैदराबाद की इसी दुकान में लेकर जाना चाहते हैं। तकनीक कितनी भी एडवांस हो जाए, लेकिन कुछ पुरानी चीजें पुरानी ही अच्छी लगती हैं। रेडियो उनमें से एक है। हालांकि आजकल रेडियो मोबाइल पर उपलब्ध है, लेकिन पुराने जमाने के रेडियो दिल को लुभाते हैं। उनका बक्से जैसा आकार दिल को भा जाता है। आज हम आपको हैदराबाद के एक ऐसी ही दुकान में लेकर चलेंगे जहां पुराने रेडियो की भरमार है। ये दुकान एंटिक रेडियो को रिपेयर करने की सबसे पुरानी दुकानों में से एक है। यहां दुनिया के एक से एक पुराने रेडियो मिल जाएंगे। ये है हैदराबाद का महबूब रेडियो सर्विस। आजादी से एक साल बाद 1948 में इसे शुरू किया गया। मोहम्मद मुजब्बुद्दीन और उनके छोटे भाई मोहम्मद मोइनुद्दीन आपको इस दुकान में 100 साल पुराने रेडियो को भी ठीक करते हुए मिल जाएंगे। ये अभी पहले से ज्यादा शौक इसलिए हो गया कि एंटिक में आ गया रेडियो, और ये रेडियो चालू होना उनको चाहिए तो चालू करके रखने में, और शो पीस है एंटिक में है, और घर में एक पूरा शो पीस सामान के रखने के वास्ते लेके जाते हैं रेडियो लोग लेके जाते हैं। खराब हो चुके पुराने रेडियो की मरम्मत का काम इन दोनों भाइयों के पिता मोहम्मद महबूब ने 1930 के दशक में शुरू किया था। उस वक्त हैदराबाद के कुछ गिने चुने नवाबों के पास ही रेडियो हुआ करते थे, और जब रेडियो खराब हो जाता था तो वो मोहम्मद महबूब के पास ही आते थे। रेडियो ठीक करने के एवज में वो किस तरह कीमत अदा करते थे उसे सुनिए। ये बनाने के तकरीबन 1500 रुपीज लिया बनाते हैं, पूरा बना के देते हैं। दिन में कितने रेडियो साफ कर लेते हैं? तीन चार रेडियो बनाते हैं। ऑल ओवर इंडिया से ज्यादा कमाते हैं, बाहर से ज्यादा आते हैं, दुबई से आते हैं, शारजा से आते हैं, मस्कत से आते हैं, अमेरिका से आते हैं, लंदन से आते हैं। ये लोग एंटिक के पुराने जो रेडियो उनके नाम पर रहते हैं वो रेडियो लेके जाते हैं। पुराने रेडियो को चाहने वालों की कमी आज भी नहीं है। आज भी कई लोग इस दुकान पर आकर पुराने जमाने के रेडियो की मांग करते हैं। खासियत ये है कि जो आजकल ये जो नए रेडियो है ये एक तो 81 ईयर्स ओल्ड है, ये पुरानी चीज है फिर भी चालू है, उसको कोई सामान की ऐसा बनाने करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती, इस वजह से ये लेने का है। और आजकल जो नए रेडियो मिल रहे वो तो एक घंटा दो घंटे तीन दिन कभी भी बुझ जाते, लेकिन ये 81 से ही नहीं जैसे क्या वैसी है इन्हें, उसमें कोई चीज बदलाव नहीं आई इसलिए ये ले रहे हैं। मोहम्मद मुजीबुद्दीन और मोइनुद्दीन के हाथों में ऐसा जादू है कि खराब से खराब रेडियो को ठीक कर देते हैं। आउटपुट इसके पहले क्या है? 65। लेकिन इन दोनों भाइयों को इस बात का गम है कि आखिर इनके बाद इस विरासत को कौन संभालेगा। हैदराबाद से प्रसाद भूसेकर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रेडियो के पुराने इतिहास को भुलाना आसान नहीं है। आजकल के नौजवान लड़के लड़कियों को शायद इस बात का भरोसा हो कि वो भी एक जमाना था जब रेडियो के कार्यक्रमों के लिए लोग घंटों तक इंतजार किया करते थे। आजकल तो आपको किसी चीज़ का इंतजार करना ही नहीं है, और इंतजार नाम की जो चीज़ है अब बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। इसलिए इंतजार का क्या मजा है, इंतजार करने में जो मजा आता है वो आज की पीढ़ी उसे समझ ही नहीं सकती, क्योंकि उसने कभी किसी चीज का इंतजार ही नहीं किया। अब आप सोचकर देखिए कि आज अगर आपको कोई गाना सुनना हो,
आज अगर आपको कोई फिल्म देखनी हो, कोई वीडियो देखना हो, कुछ भी अगर आपको देखना हो, तो आपको इंतज़ार करने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए इंतज़ार का जो कॉन्सेप्ट है वो आज की पीढ़ी के जीवन से अब जा चुका है, इसलिए वो इंतज़ार भी नहीं करना चाहती। लेकिन एक ज़माना था जब हर चीज़ के लिए इंतज़ार करना होता था और उस इंतज़ार में बड़ा मज़ा भी था। अगर आपको कोई गाना सुनना है तो उसके लिए घंटों नहीं कई कई दिन तक इंतज़ार करना पड़ता था। आपको रेडियो के सुनहरे इतिहास के बारे में भी आज कुछ जानकारियां देते हैं। 23 जुलाई 1927 को भारत में पहली बार रेडियो स्टेशन की स्थापना हुई थी। इसे एक प्राइवेट कंपनी ने मुंबई यानी तब के बॉम्बे में शुरू किया था। लोगों की पसंद को देखते हुए वर्ष 1936 में ब्रिटिश सरकार ने इंपीरियल रेडियो ऑफ इंडिया की शुरुआत की थी। यह आज़ादी के बाद ऑल इंडिया रेडियो यानी आकाशवाणी बन गया। 1947 में जब हम आज़ाद हुए, ऑल इंडिया रेडियो के 600 कॉरेस्पॉन्डेंट्स थे। इसका नेटवर्क दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो नेटवर्क था, जिसके कार्यक्रम देश के 23 मुख्य भाषाओं और 179 स्थानीय भाषाओं में प्रसारित होते थे। भले ही अब आपको पुराना रेडियो ना दिखे और आपके पास शायद ना भी हो, लेकिन इसका नया रूप आजकल भी पसंद किया जा रहा है, जिसे हम FM के नाम से जानते हैं। FM का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। FM की फ्रीक्वेंसी एक लिमिटेड एरिया में होती है, इसलिए आपने देखा होगा शहर बदलने के साथ साथ आपको नए नए रेडियो स्टेशंस भी मिलते चले जाते हैं। रेडियो की दूसरी फ्रीक्वेंसी को AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहते हैं। AM की फ्रीक्वेंसी की कोई सीमा नहीं होती, वो सैटेलाइट से चलती है जो हर जगह आसानी से पहुंच सकती है, जैसे कि ऑल इंडिया रेडियो। इससे भी पहले आपने रेडियो की शॉर्ट वेव और मीडियम वेव के बारे में जरूर सुना होगा। शॉर्ट वेव फ्रीक्वेंसी को सैकड़ों हजारों मील दूर भी सुना जा सकता था, जबकि मीडियम वेव का इस्तेमाल लोकल ब्रॉडकास्ट के लिए किया जाता था। आज का AM यानी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बीते जमाने का मीडियम वेव ही है एक नए रूप में। और आज के जमाने में शायद आपने रेडियो को नया जन्म लेते हुए तब सुना होगा जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रेडियो पर अपना कार्यक्रम शुरू किया, मन की बात। और जब से उन्होंने ये कार्यक्रम शुरू किया है, उसके बाद से रेडियो एक बार फिर से फैशन में आया है। अब रेडियो फिर से दिखाई देने लगा है और अब फिर से आपने देखा होगा, ये तस्वीरें आपको देखने को मिलती हैं जब आसपास के लोग, पूरे मोहल्ले के लोग इकट्ठा होकर एक साथ रेडियो पर प्रधानमंत्री मोदी का भाषण या उनकी बातचीत या कह लीजिए मन की बात सुनते हैं। तो रेडियो अब एक नए दौर में, एक नए रूप में और एक नए कार्यक्रम के साथ आपके बीच आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, रेडियो आपका सबसे पुराना दोस्त है, इसे हमेशा अपने साथ रखिएगा। Good evening and welcome to Zee News Bulletin.